पिछले 10 साल में नफरती चिंटुओं की एक पूरी खेप को बड़ी तल्लीनता से बोया और सींचा है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक से एक शिरोमणि भरे पड़े हैं, हर शाम को केरोसिन और माचिस हाथ में लेकर स्टूडियो में आग उगली जाती है, नफरत फैलाई जाती है, भ्रामक तथ्य फैलाए जाते हैं, एक समुदाय विशेष को आतंकी घोषित कर दिया जाता है, इस कदर उन्माद फैलाया जाता है कि दंगे भड़क जाएं, खुद ही जज ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर भी बन जाते हैं और यह स्क्रिप्ट शाम दर शाम रिपीट होती रहती है। अब NBDSA ने, जो इंडस्ट्री की ही अपनी बॉडी होती है, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल सर्विस एसोसिएशन, उसमें वरिष्ठ संपादक तक होते हैं, वरिष्ठ साथी होते हैं, उन लोगों ने यह स्वीकारा कि इन तमाम नफरती चिंटुओं ने गलत काम किया। उन्होंने जुर्माना लगाया, 50,000 से 1,00,000 रुपए का जुर्माना है जो इनके लिए टके का चेंज है, लेकिन स्वीकृति है यहां पर कि इन लोगों ने गलत किया, इन लोगों ने नफरत फैलाई। तो आपको क्या लगता है, इस जुर्माने के बाद एकदम से इनका जमीर जाग जाएगा या अपने बच्चों से आंख ना मिला पाने के डर से इनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वाकई में बड़े भोले हैं, क्योंकि यही जुर्माना तो इनकी जमा पूंजी है, इसी के बल पर तो ये इतराएंगे और साहब के चपरासी से कहेंगे, देखिए आपके एजेंडा को, आपके व्हाट्सएप के खर्रा को कितना हमने आगे बढ़ाया। अरे ये वो लोग हैं जो आज अपने अक्स को शीशे में देखकर कहेंगे वेल डन, लेकिन ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मलबे पर खड़े होकर जो आग ये लगा रहे हैं, वो आग पूरी बस्ती को जला रही है, उस बस्ती में घर इनका भी है। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience. We'll be right back.